सो आपको समझ आ गया होगा, डबल टॉपिंग वाले में भी सेम ऐसे ही करना है आपको कैलकुलेट। पहले आपको सबसे पहले निकालना है कि आपका कितना कितना क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पर पिज्जा का कितनी ये कॉस्ट बन रही है आपकी। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज क्या है ना कि मैंने अपने मतलब आउटलेट का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मुझे काफ़ी लेट हो जाता था, मतलब कि जैसे उठने में हो गया एंड काफ़ी सारे काम वगैरह होते थे एंड आप लोगों की मैसेज वगैरह के रिप्लाई करता था मैं, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता था, तो लेट हो जाता था मुझे नहाने में। तकरीबन 10, 10:30 के या 11 भी बज जाते थे कभी। एंड मेरा आउटलेट का जो ओपनिंग टाइम था वो 11 AM का ही था, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने क्या कर दिया, 12 PM में कर दिया, मतलब दिन का भी 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। एंड आई थिंक कि मेरे लिए सफिशेंट है इतना 12 आवर्स का। वो आज मैं खा रहा हूँ चाय एंड रस्क, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का। तो आप लोगों में से बताना किस किस को पसंद रही है। मैंने भैया के ऑर्डर दिया, तो भैया कहते हैं कि आप तो वही हो ना जो आपका एक बार यूट्यूब का ऑर्डर लेके मैं गया था। तो मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो कह रहे कि ये ऑर्डर तो कैंसिल नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि अरे मुझे क्या पता कैंसिल हुआ कि नहीं होगा, वही कस्टमर ने मंगाया है, वो तो आपका काम है ना ले जाने का, मैं कैसे बता दूँ कि ऑर्डर कैंसिल हुआ कि नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि कस्टमर का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप चीज़ वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देना। तो मुझे नहीं लगता है कि यार मतलब ऐसे कस्टमर बोल रहा है तो कैंसिल होगा। और आज काफ़ी अच्छी धूप आ रखी, देखो पीछे बहुत अच्छी धूप है, गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो गर्मियों के मौसम में होने वाली है हम क्लाउड किचन वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम। वो कैसे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सामान वगैरह जो होता है हमारा, जो हम लेके आते हैं आइटम्स वगैरह, उसके ख़राब होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और इस बार तो भाई किसी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी होगी। तो मुझे ये बताना कमेंट करके कि किसको ठंड पसंद है और किसको गर्मियाँ पसंद है। वैसे तो देखा जाए तो मुझे ठंड वैसे पसंद है, बट कभी कभी इतनी ठंड हो जाती है कि मतलब मन नहीं करता कि यार इतना ज़्यादा, मतलब कि ना इतना कोल्ड सा हो जाता है, एकदम ठंडा ठंडा सा, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार गर्मी ही ठीक है। फिर कभी लगता है ठंडी ठीक है। और अगर आज हो सका तो मैं प्राइस कैलकुलेशन आपको बता ही दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बता दूंगा जैसे फ्री रहूँगा ना थोड़ा सा, तो मुझे टाइम अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा सारी कैलकुलेशन वगैरह। तो चलो गाइस फिर मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ एक बार कि प्राइस की क्या कैलकुलेशन रखनी है, आपको किस तरीके से प्राइस को रखना है, ताकि अगर 35% भी निकल जाए और आपका प्रॉफिट भी निकल जाए। तो चलो आ जाओ। ऐसे कैलकुलेशन से पहले हम ये समझते हैं कि जोमेटो कमीशन कितना लेता है। तो जोमेटो का कमीशन सिस्टम क्या है, तो जो जोमेटो कमीशन लेता है वो लेता है आपका 22% एंड लेता है आपका 24%। ये 22% कौन से वाला होता है, तो ये होता है आपका बेसिक एंड ये होता है आपका प्रीमियम। इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में ये फर्क है कि जो 22% बेसिक वाला होता है उसमें जो रेडियस मिलता है आपको वो 3 किलोमीटर का मिलता है, और ये मिलता है आपको विद इन 12 किलोमीटर्स। यानी कि अगर जब भी आपने अगर आप बेसिक वाला प्लान लेते हैं 3 to 6 किलोमीटर्स का इसमें रेडियस होता है इस वाले में। इस वाले बेसिक वाले में क्या होता है कि आपका आउटलेट सिर्फ 3 से 6 किलोमीटर्स वाले कस्टमर को ही शो करेगा, उसके आगे नहीं शो करेगा। और इसमें क्या होता है आपका प्रीमियम वाले में कि विद इन 12 किलोमीटर्स, यानी कि जितने भी 12 किलोमीटर के रेडियस में आते होंगे लोग उसको आपका आउटलेट शो करेगा। ठीक है, उनको आपका आउटलेट शो करेगा विद इन 12 किलोमीटर्स के अंदर, और ये होता है 3 to 6 किलोमीटर्स के। बेसिक और प्रीमियम में यही फर्क होता है, तो मैं तो यही बोलूँगा हमेशा आपको कि आप प्रीमियम लो। अगर आपने स्टार्ट किया अपने रेस्टोरेंट को तो हमेशा प्रीमियम लो, क्योंकि उसमें आपको रेडियस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, तो उससे आपको थोड़ा सा मतलब बेनिफिट मिल जाता है अपने रेस्टोरेंट को बूम करने में, यानी कि बूस्ट करने में। होता क्या है कि अगर आपका विद इन 3 से 6 किलोमीटर रहेगा तो उसमें थोड़ा आपका मतलब ये रहेगा कि ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट अगर आपके पास 12 किलोमीटर्स का रेडियस रहेगा तो इसमें थोड़े से ज़्यादा, अगर यहाँ पे आपके 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस बढ़ के 6 ऑर्डर्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है इन दोनों में। प्लस अब हम बात कर लेते हैं GST। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 35%, यानी कि जोमेटो का जो टोटल कमीशन बैठता है वो होता है आपका 35% का। तो अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हमें कैलकुलेट करना है 35% के हिसाब से अपने वैल्यू को, जो भी हमारा आइटम बनेगा, जो भी हमारा आइटम होगा उसको हम 35% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे।
काफी सारे लोगों को इसमें भी डाउट था कि हम बेसिक लें या प्रीमियम लें, कंफ्यूज थे वो। तो बेसिक वाले में यही होता है 3 से 6 किलोमीटर के रेडियस में आता है, और जो आपका प्रीमियम होता है वो विद इन 12 किलोमीटर के अंदर में आता है। तो यही ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगा कि आप यही लो स्टार्टिंग में, ये मत लेना, ठीक है, यही लेना। जितने भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट को तो यही लेना, तो ये ज्यादा आपको अच्छा बेनिफिट देगा इसमें। अब बात कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन है, मतलब कि प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस कैलकुलेशन क्या है पर आइटम की। जो भी हम सेल करना चाहते हैं आइटम अपने क्लाउड किचन के लिए, तो उसके लिए पर आइटम के लिए क्या हम मतलब कि कितना क्या रखें इसमें। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें पिज्जा, क्योंकि पिज्जा ऐसी चीज है जो कि सारे के सारे सेल कर रहे हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, तो मैं पिज्जा ही ले रहा हूं फिलहाल के लिए। तो पिज्जा में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स इसके अंदर लगते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है पिज्जा बनाने के लिए। तो फर्स्ट आपको होता है इसमें पिज्जा बेस, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका इसमें पिज्जा सॉस। थर्ड आता है इसमें आपका पिज्जा चीज, चीज डिपेंड करती है कि आप कौन सा ले रहे हैं। एंड लास्ट में आता है आपका पिज्जा टॉपिंग, टॉपिंग पे डिपेंड करता है कौन सा पनीर है, क्या है, मतलब क्या चीज डाल रहे हैं, वो बताऊंगा मैं आगे आपको। तो ये चार चीज जो है वो तो बिल्कुल मैंडेट होती है किसी भी पिज्जा को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, तो वो है आपका अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम एंड कॉर्न। ये चार पिज्जा है जो कि मैं बेसिक वाला आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला है, जो ये सिंगल वाला होता है। सिंगल पिज्जा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सिंगल पिज्जा यानी कि सिंगल टॉपिंग, ठीक है, सिंगल सिंगल टॉपिंग वाला बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना अपना, आपको समझ आ जाएगा। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले पिज्जा बेस। तो जो मैं पिज्जा बेस लेके आता हूँ वो लेके आता हूँ 45 रुपीज का। इसमें आते हैं मुझे दो बेस, तो एक कितने का पड़ा 22.5 रुपीज का। सेकंड आता है आपका इसमें क्या, पिज्जा सॉस। तो पिज्जा सॉस कितनी लगती है, तो मेरी लग जाती है 10 रुपीज की पिज्जा सॉस। थर्ड आता है इसमें आपका कितना, थर्ड आता है आपका इसमें पिज्जा चीज, तो चीज कितनी लग जाती है, तो चीज में लेके चल रहा हूं 20 रुपीज की, क्योंकि मैं जो चीज लगाता हूं इसमें पहले मैं डाइस वाले यूज करता हूं एंड उसके अंदर भी मैं डालता हूं लिक्विड चीज, तो दोनों को मिला के मेरा 20 रुपए के आसपास में पड़ जाता है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है उसको, तो उस हिसाब से पड़ जाता है। फोर्थ आता है इसमें पिज्जा टॉपिंग, तो पिज्जा टॉपिंग में मैं लेके चलता हूँ 10 रुपीज का। अब आप ये सोचोगे 10 रुपीज क्यों लेके चल रहा हूँ, तो सिंगल टॉपिंग है, यानी कि अगर अनियन आप डालते तो आपको पता है 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो अनियन आता है, तो जिसमें बहुत सारे अनियंस होते हैं, तो आप एक अनियन भी डालोगे तो आपका 10 रुपीज बहुत ही ज्यादा है, ये मतलब सफिशियंट इतना है कि हाँ ठीक है इतना। तो बात कर लेते हैं लास्ट वाला ओरिगैनो। ओरिगैनो के पैकेट्स वगैरह अगर हम देखते हैं तो 1 रुपीज के पैकेट आते हैं 1.5 के, तो उसको मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्राइस बढ़ाया है तो मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। तो जो मेन है वो आपका यही है, पिज्जा बॉक्स, पिज्जा सॉस और चीज एंड टॉपिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45 रुपीज का ये हो गया, और 22 का पर बेस का, एक बेस का मुझे पड़ा है, एक बेस पड़ा है 22, तो 20, 30, 40, 50, 60, तो टोटल इसका अमाउंट हो जाता है, जो टोटल हो गया आपका 62.5 रुपीज। कैलकुलेट करना आप लोग भी एक बार, दोबारा कर लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 62 ही हो रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट ये पड़ा है आपको, ये क्या पड़ा है आपको, मेकिंग कॉस्ट, ये आपका मेकिंग कॉस्ट है जो कि आपको एक पिज्जा बनाने में पड़ा है, यानी कि 62.5 रुपीज। अब हम हमारा क्या आता है इसके, पिज्जा तो हमारा तैयार हो गया, अब आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग जो पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा बॉक्स आ गया, मैं जो लेता हूं 4.5 रुपीज का, ठीक है। उसका टोमेटो केचप आता है जो कि आता है आपका 1 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया 5.5 रुपीज। अभी हमारा कितना हुआ था, ये 62.5 रुपीज हुआ था टोटल, और ये कितना हो गया 5.5 रुपीज। तो इसमें ऐड कर देते हैं 62 प्लस आपका 5.5, 68 हो गया। तो चलो हम इसको राउंड कर देते हैं और हम कर देते हैं इसको 70 रुपीज। तो 70 रुपीज का हमारा पिज्जा बन गया, तो 70 रुपीज का हमारा पिज्जा हुआ, 70 रुपीज पिज्जा, जिसमें कि क्या क्या है इसमें, रॉ मटेरियल प्लस आपका पैकेजिंग, ये दोनों को मिला के हमारा पड़ता है 70 रुपीज का एक पिज्जा, पर पिज्जा,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आ जाता है यहाँ पे जोमैटो का कमीशन। जो कि होता है 35%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। चलो कोई नहीं, 35% का कमीशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 70 रुपीज यहां पे लिखने हैं, जो कि थे हमारा मेकिंग कॉस्ट प्लस हमें करना है अपना प्रॉफिट ऐड। अब इसमें तो प्रॉफिट कैसे ऐड होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए मुझे एक पिज्जा पे, तो मैंने क्या कर दिया, याद रहे ये सिंगल टॉपिंग वाला है, ये डबल वाला नहीं है, उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा वैसे, ज़्यादा ही होगा। तो 70 रुपीज़ का ये हो गया और मैंने ले लिया कि मुझे 30 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये कितना हो गया टोटल आपका, ₹100, ये आपका 100 का पड़ गया एक पिज़्ज़ा प्रॉफिट के साथ, जिसमें कि आपका कितना है मेकिंग और प्रॉफिट, ये आपका पड़ गया टोटल 100 का। अब आपको क्या करना है, अब सबसे मेन चीज आपको यहां लिखना है, अब आपको समझना है, अब कैलकुलेट करना है 100 × 35 / 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम निकाल रहे हैं जोमेटो का कमीशन। अब ये कमीशन है, ठीक है, 00000 35, तो हमने क्या निकाला, 35 रुपीज का जो जोमेटो का कमीशन था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना चार्ज था यहाँ पे, 100 + 35, यानी कि जो हमारा मेकिंग प्लस प्रॉफिट प्लस कमीशन कितना हो गया, 100 × 35 = 135 रुपीज का हमारा एक पिज्जा पड़ा बनाने के लिए, कमीशन के साथ इंक्लूड करके हमारा जो पिज्जा का प्राइस पड़ा वो पड़ा 135। अब आप सोचोगे कि मेरा जो प्राइस है वो तो 129 रुपीज लिखा हुआ है, मैंने क्यों, तो मैं बताता हूँ उसका भी रीजन, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने ये जो प्रॉफिट आपको बताया था यहाँ पे, मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ 15 से 20 रुपए का एक टॉपिंग, सिंगल टॉपिंग वाले पे ले रहा हूँ मैं 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने कस्टमर बना रहा हूं, ना कि प्रॉफिट। अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट सोचने लग जाओगे कि मुझे एकदम से प्रॉफिट हो जाए, पर पिज्जा पे मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए, तो नहीं, आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाओगे फिर बिल्कुल भी। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, आप स्टार्टिंग में लो, देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ, 135 रुपीज का था कि 135 का आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और मैंने बोला कि मेरा पिज्जा 129 का है, तो 15 से 20 रुपए का हो रहा है, ये सिंगल टॉपिंग था। अब मैं एक आपको डबल टॉपिंग का भी बता देता हूँ। सो आपको समझ आ गया होगा, डबल टॉपिंग वाले में भी सेम ऐसे ही करना है आपको कैलकुलेट। पहले आपको सबसे पहले निकालना है कि आपका कितना कितना क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर पिज़्ज़ा का कितनी ये कॉस्ट बन रही है आपकी, कि आपने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाला, बेस डाला, चीज़ डाला, टॉपिंग डाला, कितना कितना कैलकुलेट होके हुआ। उसके बाद आपको देखना है पैकेजिंग पे कितना लगा, एंड देन आपको उसमें से 35% निकाल देना है जोमेटो का, और उसके बाद आपको जो सेलिंग अपना जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, वो वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गई होगी चीज़ें कि किस तरीके से अपने सेलिंग प्राइस को आपको डिसाइड करना है। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अब किसी को कोई इशू नहीं आएगा प्राइस कैलकुलेशन में कि किस तरीके से क्या करना है, मुझे अपने प्राइस को कितना रखना है। तो आप वो देख सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, आपका बॉक्स कितने का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है, 10 रुपए का आ रहा है, 9 रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है, उस हिसाब से टोटल कैलकुलेशन करो। उसके बाद आप अपने चीजों को वहां पे देख लो कि कितना कितना क्या पड़ रहा है, और कर दो वो सारा कैलकुलेट। बस यही थी कैलकुलेशन में, मेन कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसी तरीके से आप किसी भी आइटम को अपना कर सकते हैं कैलकुलेट कि मुझे कितना रखना है मेन्यू में प्राइस उसका। तो अभी मैंने मंगाया है कुछ खाने का ये आइटम, क्योंकि आज खाना नहीं बना है, क्योंकि आज सबने सोचा कि चलो आज कुछ बाहर से खाते हैं। तो मैंने ये छोले भटूरे और ये डोसा मंगा रखा है, मसाला डोसा। तो चलो आओ फिर खाते हैं जरा इसको, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट वगैरह है। तो ये मैंने मंगाया है, ये मेरे ख्याल से आपका वो होगा, ये आपका डोसा है, एंड ये आपका है छोले भटूरे का, एंड ये इसका वो है डोसा मम्मी का है, और ये है डोसा का, ये दोनों डोसा का है, देखते हैं डोसा कैसा है। तो ये है आपका डोसा, ये डोसा है, और बाकी ये है छोले भटूरे। तो चलो फिर ये रहा मेरा छोले भटूरे, खाते हैं। सो गाइस, मैंने अभी अभी एक ऑर्डर को हैंड ओवर किया है, एंड ये स्विगी का ऑर्डर था। स्विगी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर ना मेरे पास नाइट में ही आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं ऐसे नाइट वगैरह। तो चलो कोई नहीं, मैंने अब दे दिया है, अब लास्ट था मेरे पास ये ऑर्डर,
क्योंकि अब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है, तो मेरे ख्याल से कोई ऑर्डर आएगा नहीं। और आज भी वही दोबारा से एक प्रॉब्लम हुई जो पहले होती थी कि जो डिलीवरी एजेंट मतलब कि राइडर है, राइडर अपना मतलब बैग वगैरह लेके नहीं आए थे और फिर दोबारा से वो मतलब स्कूटी के नीचे से मैंने बताया था पैर के पास रख के पिज़्ज़ा लेके गए। अब मैं क्या बोलूँ उस पर, फिर मैं बोल भी नहीं सकता इसमें कुछ, बार बार यार कितनी बार बोलूँ मैं अभी बताओ क्या करूँ फिर मैं। तो मैंने सोचा छोड़ यार क्या बोलूँ, फिर चले गए वो लेके। बाकी अब रेटिंग वगैरह का तो मैं देखता नहीं हूँ, उनका स्विगी का तो मैं रेटिंग कभी देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कस्टमर रेट करने वाला है उस पर, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा किस हालत में मिलेगी वो तो मुझे पता ही है। तो चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं फिर, एंड फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाकी आप लोग बता रहे वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन कर दी है, तो किसी को बातचीत वगैरह करनी हो तो कर सकता है, कुछ पूछना हो तो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।